गाइस स्वागत छे तमारू मारा चैनल पर। तो आज नी वीडियो मा आपणे करीशुं आ लुक नु क्रिएशन। लाइक हूँ तमने कहीश कि मैं आ साड़ी केवी रीते पहेरी, मैं हेर स्टाइल केवी रीते करी, बधी ज्वेलरी नु रहस्य शुं छे, अने मारी मम्मी तमने साड़ी ड्रेपिंग करवानी घणी बधी टिप्स पण आपशे। एंड फॉर ऑल ऑफ यू हु आर नॉट गुजराती, जस्ट एन्जॉय एंड या वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। तो हवे एक क्षण नो पण विलंब कर्या विना आपणे चालू करिए वीडियो। सो लेट्स बिगिन विद द मेकअप। द मेकअप इज गोइंग टू बी रियली सिंपल। मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करने वाली हूँ एंड जस्ट फास्ट फॉरवर्ड ऑल द मेकअप स्टफ एंड आई विल लीव ऑल द लिंक्स टू ऑल द प्रोडक्ट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आप वहां जाके बिल्कुल चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद द मेकअप। सो नाउ आई एम गोइंग टू गो अहेड विद दिस शुगर फाउंडेशन। ये मैंने अपने हॉल में बताया था, सो इफ यू हैवंट चेक माई हॉल वीडियो आउट, प्लीज गो एंड चेक इट आउट। जस्ट क्विकली यूज माई स्विस ब्यूटी कंसीलर एंड आई एम गोइंग टू कंसील माई इनर कॉर्नर लाइक दैट। आई एम गोइंग टू बी यूजिंग द फेस लिफ्टिंग टेक्निक। So my eyebrows are done. Now quickly I'm gonna, you know, just pop in one color of eyeshadow. I'll be using this fluffy brush today and I'm gonna be using this transition shade from this Wet n Wild palette. I'm just gonna apply this on my crease transition area. I'm gonna take this pinky shade and I'm gonna apply it all over my lid as well as, you know, just blending it into the crease as well. Okay, so I'm going to be doing the eyeliner, but I'm not going to be making the wing today because that would just mean a lot. So main sirf eyes ke end pe hi wo eyeliner khatam kar dungi. Okay, so I'm going to be using the Nykaa Black Magic kajal and I'm going to go a little heavy on the kajal side. And now finally I'm going to be using the mascara. This is the color bar mascara. I'm going to be using the volumizing side today. Just tapping it using the Wet n Wild highlighter in the shade Precious Petals and I'm going to just brushed off. Finally, I'm going to be using the Wet n Wild lip liner. And I'm going to be applying this Wet n Wild catsuit lipstick in the shade Rebel Rose. Okay, so I am done with my makeup and I am going to wear this saree. Main ye bahut khoobsurat bandhni ki saree pehenne wali hu, which obviously is my mom's. एंड कितना सुंदर कलर है, आई एम ऑलरेडी ऑब्सेसिंग ओवर इट। ये इसका ब्लाउज है, दिस इज द सेम पैटर्न लाइक दिस। ओके, सो आई एम गोइंग टू बी यूजिंग माई मॉम्स हेल्प बिकॉज ऑब्वियसली आई डोंट नो हाउ टू ड्रेप अ गुजराती साड़ी। सो माई मदर इज गोइंग टू हेल्प मी विद द ड्रेपिंग एंड आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू एवरीथिंग, ड्रेपिंग ऑफ द साड़ी, द हेयर स्टाइल, द ज्वेलरी एंड एवरीथिंग। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड इफ यू हैवन वॉच्ड माई वीडियो वेर आई टर्न माई सेल्फ इन टू अ महाराष्ट्र मुर्गी, देन चेक आउट दिस वीडियो राइट हियर। मैंने ये पहले भी किया हुआ है एंड अकॉर्डिंग टू द इंस्टाग्राम पोल्स आई एम डूइंग दिस वीडियो। सो प्लीज वॉच दिस टिल द एंड एंड ऑल्सो शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल। माई मॉम इज हियर टू हेल्प मी ड्रेप द साड़ी बिकॉज मुझे गुजराती स्टाइल साड़ी पहनना नहीं आता है। हाँ, मम्मी ने अब प्लीट कर दिया है और अब हम राइट साइड के शोल्डर पे अपने इन्हें नाखी देखो एंड जस्ट कीप अ लॉट ऑफ पिन्स हैंडी। पिन्स आपके पास बहुत सारी होनी चाहिए बिकॉज यू नो व्हेनेवर यू आर ड्रेपिंग यू विल नीड एन नंबर ऑफ पिन्स। इन बंगाली हम ये यहाँ लाते हैं, इन गुजराती वी स्टार्ट फ्रॉम हियर।
आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस बट मम्मी जो बोल रही है प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट सो यू लर्न हाउ टू ड्रेप अ गुजराती साड़ी एज वेल. मैं जब भी खुद से साड़ी पहनती हूँ आई नेवर गेट द प्लीट्स करेक्ट. मैं कुछ तो भी जुगाड़ करके कैसे तैसे करके उसको अंदर डाल देती हूँ एंड लकीली इट डजंट कम ऑफ. सो मॉम इज जस्ट एडजस्टिंग द प्लीट्स ताकि वो लुक में एकदम अच्छा लगे. नाउ फॉर द फाइनल स्टेप दिस पल्लू जो हमने यहाँ पे प्लीट किया था इसको हम ऐसे लेंगे और इसको इस तरह से बैक में लगा देंगे. यहाँ तक करना. सी आई एम रेडी विथ माई गर्ल. लेट्स मूव ऑन टू द हेयर सेक्शन एंड देन फाइनली विल मूव ऑन टू द ज्वेलरी. મારા મને હવે હેરસ્ટાઇલ કરવાની છે સો લેટ્સ બિગિન વિથ ધ હેરસ્ટાઇલ. આપણે હેરસ્ટાઇલ માટે એકદમ સિમ્પલ બન એટલે કે અંબુડો વારીશું. સો મેને અબ હેરસ્ટાઇલ ભી કરલી હે એન્ડ ધીસ ઇઝ હાઉ ઇટ લુક્સ ફ્રોમ ધ બેક. આઈ હેવ જસ્ટ ડન સમ ક્લિપ્સ ઓવર હિયર ઓર યહાં પે બન બનાયા હે અ લો બન વિચ લુક્સ રિયલી રિયલી કૂલ. નાઉ લેટ્સ મૂવ ઓન ટુ ધ જ્યુલરી પાર્ટ ઓફ ઇટ એન્ડ ફોર જ્યુલરી ટુડે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ બી વેરિંગ this beautiful necklace which is my mother's and she has also done my hairstyle if you don't know. Yeah, so it looks so pretty. Now for earrings I'm going to be wearing this earrings jo isi ke sath aayi thi. They're very pretty as well. So, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है बहुत ज्यादा छोटी नहीं है. It is the perfect size. Like I have seen, you know, my mom and everybody wear. So, and yeah, I know bangles रह गई है. We are very heavy on the bangles. गुजराती ladies को बहुत सारी bangles पहनना पसंद है. So, I have just made this set out of 3 different bangle sets. And which matches the red and green in my sari. So, ये एक हाथ में पहनने वाली हूँ मैं and वो दूसरे हाथ में. Okay, so this is done and final touch, the bindi. I am going to be using a round bindi because मैंने महाराष्ट्रन वाली वीडियो में वो सेमी सर्क्यूलर बिंदी पहनी थी but गुजराती always wear a round bindi. So, I am going to be taking a red bindi to match my sari. And I'm going to be wearing it like this. So this is my entire look. So this is how I look. I am so happy with how the look turned out to be. I think more than half credit goes to my mother. My mummy ni puri mehnat chheya. My mother dressed me up with the sari. My mother did my hairstyle. She chose the jewelry. So basically this, the entire credit of my look goes to my mother. So yeah, I am really very happy. I'm really looking forward to all the photos that I'm going to click in this sari. I will show you the entire sari in a bit. So stay tuned. Okay, so now I'm just going to be wearing this, what do you say, tandoora in like this. New variant. Okay, so I put 3 tandooras like this. And this is how the final look is looking. I'll show you the entire sari. ઓકે સો આ છે મારો ફાઇનલ લુક. તમે જોઈ શકો છો મારી મમ્મીએ સાડી કેટલી સરસ રીતે ડ્રેપ કરી છે અને હું એકદમ પાકી ગુજરાતન લાગું છું. તમને મારો આ લુક કેવું લાગ્યું પ્લીઝ મને કમેન્ટ સેક્શનમાં કમેન્ટ કરીને બતાવો અને બીજા કયા લુક્સ તમને જોવા છે એ પણ કમેન્ટ સેક્શનમાં બતાવો. એન્ડ ઓલ ઓફ યુ હુ હેવ વોચ ધીસ વિડીયો થેન્ક યુ સો મચ. એન્ડ પ્લીઝ ઓલ્સો કમેન્ટ ડાઉન ઇન ધ કમેન્ટ સેક્શન કે આપકો કેસા લગા યે લુક ઓર કોન સી વિડીયોઝ આપ દેખના ચાહતે હૈ. And this is how the look turned out and I cannot go get over it. Okay, so I hope ke you all liked the video. I hope you all liked my look, my sari and everything. So please tell me in the comment section down below ki aapko aur kaun se looks dekhne hai. I will be so glad and so happy to do it for you all. And till then, keep smiling. If you haven't subscribed to my channel, do that
do that now. And yeah, I will meet you all in my next video. Till then, keep smiling.